लंबे इंतजार के बाद ICF चेन्नई से वंदे भारत एक्सप्रेस बाहर निकल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी है और इस ट्रेन में खुद रेल मंत्री बैठे हुए हैं, लिहाजा पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन बाहर आ रही है। पहली झलक देखिए। ऐतिहासिक क्षण है, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन पर सवार हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद नई ट्रेन बाहर निकल रही है, वो भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से। हम आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत की ये ट्रेन पहचान मानी जाती है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो भारत के पास है, भारतीय रेलवे के पास है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब ये ट्रेन पहले पहल चली थी, तब से लेकर अब तक इसको लेकर कोई उत्साह कम नहीं हुआ और लगातार इसका इंतजार किया जा रहा था। इस ट्रेन को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने की भी एक कोशिश की गई और किसी भी तरीके से इसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं आज। और जो नई ट्रेन बनी है उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं उसको हम आपको बता दें। देखने में ये ट्रेन पिछली ट्रेन के ही तरह लग रही है और इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से अब इसकी टेस्टिंग जरूरी हो गई है। एक बार फिर से इसकी टेस्टिंग RDSO करेगा और साथ ही साथ एक और चीज़ है, इसको हम कह सकते हैं इसकी ट्रायल भी कराए जाएंगे, CRS क्लियरेंस भी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसको चाहिए। लेकिन अब यह ट्रेन RDSO को सौंप दी जाएगी और यहाँ पर जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये ट्रेन पिछली ट्रेन के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो 140 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली, और जो मौजूदा ट्रेन है, जो ट्रेनें चल रही हैं ट्रैक पर, अगर उसकी बात करें तो वो 145 सेकंड में ये रफ्तार पकड़ ली। और इसमें इमरजेंसी लाइटिंग लगाई गई है हर जगह पर, यानी हर कोच में चार चार इमरजेंसी लाइटिंग लगाई गई है। अगर लाइट फेल कर जाती है तो ट्रेन के अंदर बिजली का पूरा प्रबंध रहेगा, प्रकाश की व्यवस्था रहेगी, और चार जो है प्लेटफॉर्म साइड कैमरा लगाए गए हैं, जिससे दोनों तरफ ट्रेन के जो रियर व्यू है वो मिलता रहेगा। पहली वाली ट्रेन में दो लगे हुए हैं और इसी तरीके से अंदर की जो एयर कंडीशनिंग है उसमें बदलाव किया गया है कि उसका जो कंप्रेसर है वो हायर एफिशिएंसी का लगा दिया गया है। साथ ही साथ उसमें जो बैक्टीरिया और वायरस बाहर की हवा से अंदर आ जाएँ ऐसी जो आशंका रहती है तो उसको मारने की भी व्यवस्था की गई है, उसमें अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ इन कोचेज के अंदर जो ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट को बेटर किया गया है, साथ ही साथ ये ट्रेन कवच से भी लैस है, यानी आमने सामने की टक्कर की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि कोई ट्रेन अगर कवच से लैस सामने आती है तो ये ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी।
ये एक बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ इसमें जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले 24 इंच का लगा हुआ था, यानी स्क्रीन जो लगी होती है 32 इंच की कर दी गई है। साथ ही साथ इसमें जो सीटें हैं उनको बदला गया है, उसमें बदलाव किया गया है। इसकी वजह से राइडिंग कंफर्ट जो पैसेंजर्स का है उसका इंडेक्स अगर हम देखें तो 3.5 हो गया है। साथ ही साथ 4 इमरजेंसी विंडोज हर एक कोच में लगाई गई हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ एक्सेलरेशन में मामूली बदलाव किया गया है। लेकिन इन सारे बदलाव के बावजूद अब ये ट्रेन ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। इसकी जब टेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद हम कह सकते हैं CRS क्लियरेंस दिया जाएगा और ये तीसरी ट्रेन भारतीय रेलवे के बेड़े में शामिल हो जाएगी।